राजस्थान विधानसभा चुनाव में अलवर जिले के बांसूर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर शकुंतला रावत ने अपने हजारों समर्थकों के साथ नामांकन किया दाखिल। हम आपको बता दें कि शकुंतला रावत एक ऐसी शख्सियत है जिसने मोदी की लहर में भी 25,000 मतों से कांग्रेस पार्टी को विजय दिलाई थी। बांसूर के रामबाग मंदिर में पहुंच शकुंतला रावत ने माथा टेक पूजा अर्चना की और उपस्थित हजारों समर्थकों को संबोधित कर खुली जीप में बैठकर अपने काफिले के साथ नामांकन स्थल तक पहुंची। बांसूर से कांग्रेस प्रत्याशी शकुंतला रावत के समर्थकों की उमड़ी भीड़ व भारी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने जोरदार नारेबाजी कर शकुंतला रावत की जीत के दावे किए। जैसे ही शकुंतला रावत का काफिला जहां जहां से गुजर रहा था उपस्थित जन दोनों हाथ जोड़कर उनके समर्थन में हाथ हिलाकर उनको अपना समर्थन प्रदर्शित कर रहे थे। शकुंतला रावत की छवि बांसूर विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं अपितु समस्त अलवर जिले में एक योग्य कर्मठ सहनशील और मिलनसार उम्मीदवार के तौर पर जानी जाती है। न केवल उनके समर्थक अपितु शकुंतला के विरोधी भी उनकी इस मिलनसारिता के कायल हैं। दावा किया जाता है कि जब जब शकुंतला के कार्यालय में लोग उनके घर पर काम के लिए पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनकी आवभगत की जाती है और विनम्र और सौम्य तरीके से उनकी हर शिकायत को सुनकर उनका समय पर समाधान के प्रयास किए जाते हैं। शकुंतला रावत की दावेदारी को एक मजबूत कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर समस्त अलवर जिला में देखा जाता है और दावा किया जाता है कि शकुंतला रावत पिछली बार के चुनावों से भी अधिक मतों से विजयी होंगी। बांसूर की जनता का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि जो अधिक से अधिक संख्या में मुझे ऐसा लग रहा था आगे पीछे जहाँ देखे नजर जहाँ तक जा रही थी मेरे बांसूर की जनता जनार्दन थी और उसी का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं नेता नहीं हूँ, मैं विधायक नहीं रही कभी भी, मेरे बांसूर की जनता विधायक रही है। हर युवा, हर बच्चा, हर महिला, हर बुजुर्ग विधायक रहा है क्योंकि मुझे कभी भी आज तक किसी ने विधायक के नाम से पुकारा नहीं। शकुंतला रावत जिंदाबाद, शकुंतला रावत जिंदाबाद, शकुंतला रावत जिंदाबाद। आप बच्चे से भी पूछें कि विधायक कौन है तो शायद वो उत्तर नहीं दे पाएंगे, सिर्फ वो यही कहते हैं कि शकुंतला रावत आ रहे हैं। जी, इसकी बात भी हमने देखी, भारी संख्या में महिलाएं वहाँ उपस्थित थी और काफी संख्या में भीड़ आपके साथ है, लगातार नारे लग रहे हैं, लोकप्रिय तो आप हैं। शकुंतला रावत जिंदाबाद, शकुंतला रावत जिंदाबाद। जनता के बीच में रहकर ही सेवा करती हूँ और विकास के कार्य भी जितना मुझे मिलता था, चाहे स्कूल के कमरे में हो, बोरिंग हो स्कूलों में हो, शौचालय बनाना हो, अस्पताल में कमरे हो, और सार्वजनिक जो सामुदायिक भवन होते हैं या सड़क का है, बिजली की बोरिंग है, जितना मुझे जो विधायक कोटा मिला पूरा मैंने खर्च किया, पूरा मैंने खर्च किया, कोई एक रुपया भी इधर से उधर नहीं हुआ। मैंने एम्बुलेंस के लिए भी पैसा दे रखा है, लेकिन सरकार की ये मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह की निराशा थी कि पैसे पड़े हैं उसमें कोई बारात लेके तो जाता नहीं है, गाड़ी में किसी के काम तो आने वाली चीज नहीं है, वो तो उसी के काम आती है जिसके घर लगते हैं। तो ऐसी चीज पे भी उन्होंने खरीदी नहीं है, सीएमएचओ के खाते में पैसे पड़े हैं एमएलए लेड के, और बड़ी शर्म की बात है कि कम से कम